हेलो फ्रेंड्स, तो बात करेंगे हम लोग इस वीडियो में। मैंने आपको पहले बताया था कि हम बात करेंगे इस अगले क्वेश्चन के बारे में। जो क्वेश्चन है आपका ब्रैकेट के अंदर x माइनस बी अपॉन एक्स की पावर सिक्स। ओके, तो इसके पहले जो क्वेश्चन किया था वो एक पॉजिटिव टर्म के लिए था जो फ्रिक्शन में था, और यहाँ पर भी क्वेश्चन फ्रिक्शन में है लेकिन नेगेटिव है। ओके, तो एक पॉजिटिव का हो गया, एक नेगेटिव का हो गया। वो एक पॉजिटिव करा चुका हूँ मैं, यहाँ नेगेटिव बता रहा हूँ ताकि आपको हर मैसेज का क्वेश्चन आपको करना आना चलिए चलिए तो देखते हैं। यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला में आपको पहले ही बता चुका हूँ फॉर्मूला क्या होता है। सबको पता एक टर्म पॉजिटिव, एक टर्म नेगेटिव, फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव। ओके, वो भी नहीं पता हो तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। पहले मैं आपको फॉर्मूला था x माइनस a की पावर n होती है एन सी जीरो x की पावर n, ओके a की पावर जीरो, फिर नेगेटिव एन सी वन x की पावर n माइनस वन a की पावर वन प्लस एन सी टू एक्स की पावर एन माइनस टू और ए की पावर टू माइनस एन सी थ्री एक्स की पावर एन माइनस थ्री ए की पावर थ्री प्लस एन सी फोर एक्स की पावर एन माइनस फोर और ए की पावर फोर प्लस या माइनस दे दो, जो भी आना हो है ना, वो डिपेंड करेगा कि आपकी टर्म जो है एन सी एन किस पे खत्म हो रहा है, पॉजिटिव खत्म हो रहा है या नेगेटिव खत्म हो रहा है, वो उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को। मेथड ये फॉलो होगी, जहां पर x है वहां पर मेरा ए एक्स आ रहा है, ओके ये मेरी x वाली लंबाई, और जहां पर इस वाली एक्सप्रेशन में a आ रहा है वहां पर आ रहा है आपका ये b अपॉन x, ये हो गया आपका a। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं लोग। तो x माइनस बी अपॉन x उसकी पावर 6। चलिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, तो 6 सी जीरो ए एक्स की पावर तो 6 और b अपॉन x की पावर कितनी होगी बच्चों जीरो प्लस c 6c1 तो x की पावर 5 माइनस 6 में तो बन जाएगा तो देखिए 5 और ये होगा आपका b x की पावर कितनी होगी 1, ओके प्लस 6c2 ये होगा a x की पावर 6 में तो जाएंगे तो देखिए 4 और यहां पर होगा b x की पावर कितनी होगी 2 जो यहां पर है वो यहां पर आ जाएगा। ठीक है, प्लस c 63 तो ए एक्स की पावर 6 में 3 आएगी कितने 3। चलिए यहां पर b अपॉन x की पावर कितनी आएगी यहां पर 3 प्लस 6c4 तो ये होगा आपका a x की पावर कितना 6 में तो बोलेंगे कितने बच्चों 2। चलिए तो ये आपका b अपॉन में x की पावर कितनी होगी 4। मैंने बताया जो भी c के बेस में होगा इट इज ऑलवेज टू द पावर ऑफ b, ओके पावर ऑफ a प्लस 6c5 a x की पावर कितनी होगी बच्चों यहाँ पर 5 में से 6 में से 5 में से तो 1 ये होगा b अपॉन x की पावर 5 एंड द लास्ट टर्म इज c6 6c6 दैट इज a x की पावर कितनी होगी बच्चों 0 क्योंकि 6 में से 6 माइनस हुआ कितना हुआ 0 और यहाँ पर होगा आपका b अपॉन x की पावर 6। यस और नो, इट इज वेरी एंड सिंपलेस्ट मेथड ऑफ एक्सपांड द एनी टर्म ऑफ एनी पावर। ओके, नाउ सॉल्व करते हैं इसको, हम लोग देखते हैं यहां पर। तो ये देखो इसकी वैल्यू कितनी होगी 1, मैंने आपको पहले भी कहा था a की पावर 6 x की पावर 6 है ना, और इसकी वैल्यू कितनी होगी 1 प्लस c6 6c1 कितना होगा 6। क्लियर है, चलिए यहां पर तो a की पावर 5 x की पावर 5 यहां होगा आपका इनटू में b और अपॉन में x, क्लियर प्लस ये होगा आपका 6c2 तो 6 इंटू 5 और 2 इंटू 1 मेरे को लगा कितनी दो टर्म को एक्सपांड कर देगा इसको। ठीक है, तो 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6 6 5 जा 3 5 जा 15 तो जाएगा आपका ये 15। चलो a की पावर 4 और x की पावर कितनी होगी बच्चों 4, b की पावर 2 और x की पावर 2 देखिए ये दोनों की पावर 4 आ गई और x b स्क्वायर अपॉन x b अपॉन x का कितना है स्क्वायर, तो b का भी स्क्वायर x का भी स्क्वायर प्लस चल नेक्स्ट यहां पर 4 हो जाएगा और यहां पर कितना हो जाएगा 3 कैसे आया देखिए 6c3 तो 6 5 4 3 2 1 तो ये 3 से कैंसिल हो गया टाइम में 2 टाइम में और ये 2 से 2 क्या हो जाएगा बच्चों कैंसिल और 5 4 का कितना होगा 20 तो ये होगा आपका 20। चलिए a की पावर कितनी हो गई 3 x की पावर कितनी हो गई 3 b की पावर कितनी आएगी 3 क्योंकि b अपॉन x की पावर कितनी 3 तो b की पावर 3 और x की पावर भी 3 प्लस 6c4 तो 6 4 सॉरी 6 5 4 3
और ये होगा 4, 3, 2, 1। तो ये 4 से क्या होगा, 4 कैंसिल होगा, 3 से 3 कैंसिल होगा, 2 से ये 6 कैंसिल होगा 3 टाइम पे, और 5 से क्या होगा बच्चों 15, तो आपका ये 15। चले a का स्क्वायर और ये x का स्क्वायर, तो होगा b की पावर 4 और x की पावर कितनी बच्चों 4। चले नेक्स्ट टर्म की बात करें हम लोग, यहाँ पर अब आ गया 6, 5, 4, 3, 2, ये होगी 5 टर्म डिक्रीज करनी मुझे, 1, 2, 3, 4, 5 आ गया। अब 5, 4, 3, 2, 1, तो 5 से 5 कैंसिल, 4 से 4, 3 से 3, 2 से 2, तो कितना बचा 6, यहाँ पे कितना है आपका 6। ओके क्लियर है सभी को, चले तो हो जाएगा ये a की पावर, मतलब a की पावर कितनी 1, तो सिंगल a आएगा सिंगल x आएगा। अब यहाँ पे होगा b की पावर 5 और x की पावर कितना होगा 5, प्लस एक गड़बड़ी कर दी हमने क्योंकि यहाँ पर हमारा क्या है नेगेटिव टर्म है, ये भी नेगेटिव है, तो हमारा फॉर्मूला क्या था, एक पॉजिटिव तो एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव तो एक नेगेटिव, फिर एक पॉजिटिव तो फिर एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव तो फिर एक क्या आएगा नेगेटिव, फिर एक पॉजिटिव, क्लियर समझ। चलो यहाँ भी करो, एक पॉजिटिव तो फिर दूसरा ये क्या होगा आपका नेगेटिव, भी पॉजिटिव फिर ये आएगा आपका नेगेटिव, ये पॉजिटिव तो ये क्या आएगा आपका नेगेटिव, और फिर अगेन लास्ट अप्लाई करो पॉजिटिव। चलो 6c6 कितना हो जाएगा 1, चलिए इसकी वैल्यू कितनी हो गई 1, चलो b की पावर कितनी हो गई 6 और x की पावर कितनी हो गई 6। अब सिंपल सा काम बचा है, सिंपल सा काम ये बचा है कि हमें केवल अब सिंपली सॉल्व करना है, अगर कुछ टर्म्स अगर कट रही है तो काटना है, अदरवाइज आपका आंसर ऐसा का ऐसा ही आ जाएगा। चलो तो देखते हैं हम लोग, a की पावर 6 b की पावर 6 मतलब a की पावर 6, चलिए माइनस यहां पे उस केस लोड हो रहा है 1 से 1 सेंसर, तो बचा 6 हो गया, बचेगा b, b a की पावर 5 और x की पावर 4 प्लस 15, तो ऐसा कैसे आएगा बच्चों, चले x स्क्वायर दिए कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा यहाँ पे आपका a की पावर 4 ओके एंड x की पावर 2 और b की पावर 2, क्लियर है, माइनस ये 20 ऐसा का ऐसा, इसका कुछ नहीं करना है, x क्यूब से x स्क्वायर आया कैंसिल, ये a क्यूब और ये b क्यूब, क्लियर। चले प्लस का 15, ये 15 ऐसा कैसा रहेगा, अब कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, यस हो रहा है, थोड़ा काट देंगे a स्क्वायर और ये b की पावर 4 और यह बचेगा x का स्क्वायर प्लस, अब यहाँ की बात करें लोग तो ये 6 ऐसा आ जाएगा, तो यहाँ पर x x x कैंसिल हो जाएगा, तो a और b की पावर कितना है बच्चों 5 और अपॉन में x की पावर कितनी होगी 4, क्लियर सभी को। चलो प्लस ये होगा आपका b की पावर 6 और x की पावर 6, क्लियर है। तो इट इज अ वेरी 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 सिंपल क्वेश्चन, इसको सॉल्व करना बहुत ही आसान है, बस थोड़ा ध्यान रखना है कि हम कुछ भी वैल्यू जो है गलत पुट नहीं करें, अगर हम गलत वैल्यू पुट करते हैं या गलत कैलकुलेशन कर देते हैं, प्लस माइनस गलत करते हैं, मल्टीप्लाई गलत कर देते हैं या पावर डिक्रीज गलत कर देते हैं, तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, है ना। लेकिन इसको इजी तरीका है इसको सॉल्व करने का, अब फॉर्मूले की बात करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट का लगेगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा वो आपको सॉल्व करना, इट इज वेरी इजी मेथड है। ओके थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई होप समझ में आया हो। इसके अगले वीडियो में बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, जिसमें आपको 3 टर्म दे रखी है, 3 टर्म को किस प्रकार से एक्सपांड करेंगे मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। ओके तो जरूर देखें अगला वीडियो जो है क्वेश्चन नंबर 3 के लिए, क्वेश्चन नंबर 1 टर्म के लिए। थैंक यू।